अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और बेहतरीन पेशकश। सुनो चंदा, एपिसोड 5 पार्ट 2। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है आज का एपिसोड। कल का एपिसोड इंटरेस्टिंग था, जलाल अंकल भी थे उसमें, एंड देखते हैं कि आज हमें क्या देखने मिलेगा। बहुत ही ज्यादा मज़ेदार और एंजॉय करके हम देख रहे हैं डेली आपके साथ। थैंक यू सो मच गाइस, आप सब इतने सारे कमेंट्स करते हो, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कमेंट नहीं पढ़ते, आपका हर एक कमेंट पढ़ा जाता है। एंड आप सब लोग लाइक मुख्तलिफ तरह के रिक्वेस्ट भी करते हो, मतलब इस पे रिएक्शन, ये वाले ड्रामे पे, ये वाले ओएसटी पे। एक्चुअली हम अभी जो कर रहे हैं पहले वो ख़त्म करेंगे, फिर उस पर भी आएंगे फॉर श्योर। सो चलिए घास करते हैं। अरे रहने तो यार, कल खुद ही कर लेगी जिया। अपनी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करोगे तो खुद की जिंदगी से सुकून जाएगा। कभी कभी कुदरत भी कितने गलत फैसले कर देती है। फैसले गलत नहीं होते, हमारी तरजीहात और होती हैं। You know what, किंजा? नफरत है मुझे सो कॉल्ड आउटस्पोकन लड़कियों से जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हैं। और मेरी किस्मत देखो, कौन मिली है मुझे। तो कैसी लड़की चाहिए आपको? जैसी भी हो, ये मुझे जिया जैसी लड़की नहीं चाहिए। स्पेस दे उसे, बदल जाएगी वो। हाँ जरूर, बचपन से तो अभी तक साथ रहकर बदली नहीं है, बाद में जरूर बदल जाएगी। मोहब्बत करती हूँ तो कॉम्प्रोमाइज भी तो कर लो ना। हेलो, तुम्हें किसने कह दिया मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जबरदस्ती मेरे गले बांध दिया लोगों ने, मोहब्बत करता हूँ। गले बांध दिए। लड़कियों को ना इतना आजाद ख्याल ही होना चाहिए। मैं जाके बताती हूँ नजाकत को, टांगे तोड़े। टांगे तोड़े शर्म आती है, टीवी लगा के ना अब वो जाके नजाकत का डीपी आए करेगी। मां ठीक ही तो कहा मैंने, उसकी मम्मा उसको बहुत मारती है ना। वही बात है सर। क्यों, क्या बन रहा है? सोचा तुम रशियन सैलेड आता है? बिल्कुल पसंद है आपको? बहुत, तभी तो कह रहा हूँ। एक मिनट में बना के दे देती हूँ। अरे बाबा, अभी के अभी बना के देंगे। हाँ भाई, यार जिया तो शहजाद को ले आती है अंदर। वैसे भी मम्मी पापा तो शिकागो गए हैं भाई के साथ। क्यों, किस खुशी में? वो ना मुझे बहुत हैंडसम लगता है, स्माइल कितनी क्यूट है उसमें। मैंने देखा नहीं इतने गौर से उसे कभी भी। हाँ तुम्हें असल से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम किसी और को गौर से। सुनो हुमा, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है उस चीचड़ का नाम लेकर। चीचड़? क्या बाबा, नहीं करे मैं मूड खराब, लेकिन तुम मुझे ये बताओ ना कि शहजाद कैसा है बाय नेचर? यार शहरयार बहुत सेंसिबल है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वेल मैनर्ड है। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात कि वो कंजर्वेटिव नहीं है। रियली? अच्छा जिया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तो मेरा एक काम करोगी प्लीज? यार मेरे शहरयार से दोस्ती करना। सॉरी, उसे मुझ जैसी जीनियस और करियर ओरिएंटेड लड़कियां पसंद है। और बीबी तुमने अपनी जीपीए देखी थी बीबीए में? हाँ हाँ, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं, तुम भी रखो ऐसा। अच्छा अम्मी की कॉल आ रही, रुको गालियां पड़ेगी इसको। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किससे पूछ कर बोलो तो बुमा के घर है? तुम्हारे बाप का बीपी हाई हो गया। 100 दफा मना किया, पूछे से आगे से 36 बातें सुनाती है। ये खबीस आपको भड़का रहे हैं ना मेरे खिलाफ? बकवास बंद करो अपनी, मैं अरसल को भेज रही हूँ। औरत उसके साथ आओ, तुम्हारा बाप उस्तारी से पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, भेज दे उस छुचुंदर को। छुचुंदर? मैंने नहीं जाना, बातें सुनाती आगे से। तो किसको भेज रही हूँ, जाओ ना। क्या हुआ? मैंने नहीं जाना। कुछ नहीं,
पूरे घर में ना उसने आग लगा दी है मेरे खिलाफ और अब हीरो बनकर आ रहा है मुझे लेने के लिए। याद लिया इसने ना फोन कॉल वाला बदला लिया है हमसे। यार मेरा बस चले ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, इन सारे लोगों से दूर चली जाऊं, कहीं भी कुछ भी, सारा जी भी खराब कर दिया उमा हमारा। अच्छा यार तुम अब फिर सुनाओ, हम नेक्स्ट वीकेंड फिर कर लेंगे। वैसे कब तक आ रहे हैं ये सुंदर? मुझे पता होता तो मैं यहाँ बैठी भी ना होती। हद करती हूँ नीमा, क्या जरूरत थी उसको, उसके पीछे तोड़ दिया है, उसका बाप इतना खफा है तो हर बात नजाकत भाई को बताने की क्या जरूरत होती है? क्यों ना बताऊं, क्यों नहीं इजाजत लेकर गई वो? ए बच्ची अब चली गई थी तो उसको अफ्तारी तो कर लेने देनी थी सहेलियों के साथ। अच्छा ना आज दिमाग सेट हो जाएगा, आइंदा ही नहीं जाएगी बगैर पूछे। अब देख लेना क्या नतीजा होगा इसका, दोनों लड़ते हुए आएंगे ऐसे लिफ्ते हैं। अच्छा अब छोड़े ना, आगा जी के लिए वो शरबत ना दे, इफ्तार का टाइम होने वाला है। मैं भी आऊं कि नहीं? नहीं नहीं रहने दे तू, ठंडी हवा खा बैठ के, बाप मुझे बातें सुनाएगी। आ रही हूं। आ गई। आइए तशरीफ रखिए, इफ्तारी तो तुम्हें कराएंगे चाचा जान, वो भी चटखारेदार। सर मैं तुझे कहा अपना मुंह बंद कर, समझ में आई है तुम्हें? वो तो अब मेरा अल्लाह ही बंद कराएगा जिया, मिन्नतें भी करोगे ना तो चुप नहीं करूंगा, बैठो। अरे जिया अपना पर्स तुम अंदर ही। थैंक यू मां, कैसे हो सर? बैठ गयो ओ भाई भाव भी नहीं दिया, बाय भाव भी नहीं दिया उसका। शर्म करो, हाल पूछ रही थी सिर्फ वो तुम्हारा। शुक्र करो मुंह नहीं मैंने तोड़ दिया उस फसादन का। फसादन किसी का है तुमने? हाँ उतरो मेरी बाइक से, उतरो। मुक्का किस खुशी में मारा? शुक्र करो कि तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दिया मैंने। जिया बदतमीजी करोगी तो खुदा की कसम इधर ही छोड़ जाऊंगा। छोड़ के जाना तो छोड़ के चले जाओ, कोई डरता नहीं है, वैसे भी मुझे अपने घर का एड्रेस पता है। मुझे फिर बाद में ना कुछ कहना। भाई जा रहे हैं। अरे बाप रे। अर्चल, अर्चल। कैसी रहेगी बेचारी? शेरहर को फोन करने चाहिए। नहीं, 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 लड़ते वैसे ही दोनों उन दोनों जैसे। ये पौधे हमने उजाड़ने के लिए नहीं लगाए। किसी को बेले की कलियां बहुत पसंद होती थी एक जमाने। बेले की गर्मी 50 साल पुरानी बात है। वो इतनी पुरानी बात है मगर हमें तो फूलों की खुशबू आज भी माजी में ले जाती। भूल जाइए माजी को और खुदारा इन पौधों का पीछा छोड़ दे। अच्छा ये लीजिए, छोड़ दी। ये बताइए मुमताज बेगम कि वो कंगन पूरे आ गए थे? कौन से कंगन? हाय हाय हाय, तो यूं कहो कि डब्बा खोल के भी नहीं देखा। तो हमने कौन से फरमाइश करके मंगवाए थे वो कंगन? डब्बा पड़ा हुआ है, जरूर ले जाइएगा। सुनो तुम इतनी जालिम हो नहीं जितनी बनने की कोशिश कर। वालेकुम सलाम। जिया कहाँ है? लेने गए थे ना तुम? गवारा नहीं आपकी लाडली को मेरे साथ आना, निकल गई थी वो पहले। अरे बाबू ये इन दोनों के बीच क्या सीन चल रहा है? वही जो माजी में हमारे बीच चला था, जिसके नतीजे में आपने अपने छोटे भाई को सेहरा लगाकर भेज दिया था मुझे ब्याने को। कहाँ रह गई जवान जहान बच्ची? 3 घंटे हो गए उसे वहां से निकले हुए, अब तक पहुंच नहीं, मेरा सांस उखड़ रहा है। जरा दोबारा फोन मिलाओ उसे। ये भाई
वो तो गिर गई थी ना, गोली थी वो बंदे की बस। बेटा तुम दोबारा उस बच्ची के घर जाओ। हंसा तुम भी अरसल के साथ जाओ और मम्मा से बात करके आना। जी उसे जाने क्यों दिया? मैंने खुद आपको बताया कि वो बगैर बताए चली गई है। आज वापस घर आ लेता तबीयत दुरुस्त कर दूंगा उसकी। अच्छा हौसला करो, तहमल से आ जाएगी जी वापस। कैसे तहमल से काम ले? आजकल का बच्चा शक्ति मांगता है वरना हाथ से निकल जाता है। मेरा तो दिल बैठा चला जा रहा है, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। मेरी बच्ची क्यों? So guys, ये था हमारा रिएक्शन ऑन सोना चंदा एपिसोड 5 पार्ट 2। बहुत ज्यादा बेहतरीन था। अभी अजिया कहाँ पे रह गई पता नहीं आ रहा। वो गिर गई थी बेचारी, पता जिसको चोट वोट ना लगी उसका पर्स खींच के कोई भाग गया बंदूक दिखा के। भाई साहब देखना अभी होगा तो होगा क्या, कैसे भाग रही थी ना वो ऐसे करके। कॉमेडी लगी। आज का बच्चा शक्ति मांगते है। बहुत बढ़िया था यार जलाल अंकल, मजा आ गया। बट देखते आगे क्या होता है, आगे वाला सीन बहुत इंटरेस्टिंग होगा ना, बड़ा मजेदार होने वाला है। एपिसोड अच्छा है यार, अच्छा है, मजेदार है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं।